जल को प्रदूषित होने से बचाने के उद्देश्य को लेकर मुस्कान मित्र मंडल के अध्यक्ष अरुण मिश्रा के नेतृत्व में रविवार की सुबह महमरा स्थित शिवनाथ नदी की साफ सफाई की गई। इस कार्य में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लेकर श्रमदान कर नदी के जल को प्रदूषित होने से बचाने का संकल्प लिया। दुर्ग में मुस्कान मित्र मंडल सामाजिक कार्य में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाली संस्था है, जिसने जल को प्रदूषित होने से बचाने की पहल की है। इसी कड़ी में रविवार की सुबह संस्था के लोग सपरिवार दुर्ग के शिवनाथ नदी स्थित महमरा घाट पहुंचे और नदी में फैली जलकुंभी व गंदगी को साफ करते हुए जल को प्रदूषित होने से बचाया, साथ ही जल संरक्षण करने का संकल्प भी लिया। और इतना ही नहीं, मुस्कान मित्र मंडल के द्वारा सामाजिक कार्य करने की दिशा में हमेशा से ही कोई ना कोई आयोजन लगातार किए जाते रहे हैं, जैसे कि नेकी की दीवार कार्यक्रम के माध्यम से गरीब और जरूरतमंद लोगों को प्रत्येक रविवार निशुल्क कपड़ों का वितरण किया जाता है। इसके साथ ही दादा दादी नाना नानी पार्क में निःशुल्क व्यायाम शाला आयोजित की जाती है, जिसका आरम्भ राष्ट्रगान के साथ ही किया जाता है और ये पूरे 365 दिनों तक चलता है। इसी के चलते शिवनाथ नदी की सफाई करना भी उसी कड़ी का हिस्सा बना, जिसमें संस्था के लोगों ने अपना भरपूर सहयोग दिया और जीवनदायिनी शिवनाथ नदी की साफ सफाई कर जल को प्रदूषित होने से बचाया। इस नेक कार्य में शामिल मुस्कान मित्र मंडल के अध्यक्ष अरुण मिश्रा सहित संस्था के लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार से दी। फाउंडेशन का उद्देश्य है कि लोगों को सबसे पहले स्वस्थ रखना, और स्वस्थ रखने के बाद जो वह काम बचता है समय, उसके बाद हम दिन भर जो समय देते हैं अपने घर में, परिवार में, यहाँ पे, तो उसके साथ साथ हम सप्ताह में एक बार कोशिश करते हैं कि कुछ सामाजिक कार्य करें। जैसे आज समय समय पर हम सब जो कार्य करते हैं, उसके आज का हमारा वो बीड़ा उठाए थे कि शिवनाथ नदी को साफ करना, तो हमारे पूरा मुस्कान सदस्य के जितने भी सदस्य हैं आज कम से कम पूरे परिवार के साथ आके बच्चे उच्चे ले के सभी ने आज नदी को सफाई किया। अगर एक ट्रैक्टर भी करके हम अगर साफ करते हैं तो समझ लीजिए कि हमारा जल शुद्ध हो गया। सफलता ये हासिल करते हैं कि हम अगर आज आगे बढ़ते हैं तो आने वाले समय में दुर्ग की वासी, हमारे परिवार और जितने भी लोग हैं हमको देख के प्रेरणा के रूप में आएंगे और सफाई करेंगे, और जिससे कि जल शुद्ध होने का एक माध्यम यही है कि हम किसी तरह अगर जल को बचा सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं, तो हम एकजुट होकर ही समस्या का समाधान कर सकते हैं। कोरोना के पहले नेकी की दीवार एक कार्यक्रम चलता था, जिससे कि महीने में एक बार पहले संडे को नेकी की दीवार लगाते थे, जिसमें कि किसी भी वार्ड को एक चुना जाता था, उस चुन के वहाँ पे एक स्टॉल लगा के हम पूरा कपड़ा वितरण करते थे गरीबों को। उससे हमारे जो गरीब हैं, नीचे तबके के लोग हैं, वो उसका लाभ उठाते थे। सुबह सुबह 5:30 बजे 365 दिन हम नानानी पार्क में शहर के विभिन्न जगहों से लोग एकत्र होके और आज एक बड़ा रूप ले लिए हैं और उसको स्वास्थ्य लाभ के साथ 365 दिन राष्ट्रगान करते हैं, जो कि आसान नहीं है। और हम शहर के सभी जितने भी गणमान्य लोग हैं उनका आभार व्यक्त करते हैं, उनका बहुत शुक्रिया व्यक्त करते हैं कि वहाँ पे हमको बहुत सहयोग मिलता है, नगर निगम को सहयोग मिलता है और आप सबका सहयोग मिलता है, जैसे कि आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। जिस तरह से जल सभी के लिए बहुउपयोगी है, उसी तरह हम सबको भी इस ओर ध्यान देते हुए ऐसे सामाजिक संस्थाओं के साथ हाथ बढ़ाकर श्रमदान करना चाहिए। जल ही जीवन है और जल को बचाने व उसे शुद्ध रखने का संकल्प भी हम सबको मिलकर लेना चाहिए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट।